हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं अली की टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना पसंद करते हैं तो अभी आप जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे थे, तो यार इस तरह की वीडियो आपने इंस्टाग्राम रील्स में ज़रूर देखी होगी, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ टाइम से इस तरह की वीडियो बिल्कुल वायरल और बिल्कुल ट्रेंड में चल रही है। तो अगर आप भी इस तरह की एडिटिंग करना चाहते हैं अपने मोबाइल से, तो यार आज का ये वीडियो आपको बस थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो और भी देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना आपका समय ली। और इस तरह की वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से VN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो से एक छोटी सी क्लिप दोस्तों अपनी 3-4 सेकंड की वीडियो सबसे पहले शूट करके उसे यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो पे क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ से आपको अपने 13 फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने 13 फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यार मेरे पास अपने फ़ोटो नहीं है तो मैं किसी और के फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद डन पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारी वीडियो और फ़ोटो यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद हमें आना है एंड में और जो ब्लैक स्क्रीन आपको देखने को मिल रही है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ से इसे डिलीट कर देना है। अब आपको यार ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो का साइज़ 9x16 पे सेट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना है कि सभी फ़ोटो फ्रेम में बिल्कुल सही से आ रहे हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर इसमें सॉन्ग ऐड करना है। सॉन्ग ऐड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर म्यूज़िक के आइकन पे क्लिक करना है और प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। थर्ड नंबर के पॉइंट वीडियो से निकालने पे क्लिक करना है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये वाला वीडियो मिल जाएगा, आपको वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डन पे क्लिक करते हैं तो हमारा सॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद सिंपली से सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं और दोस्तों इसमें आपको कुछ बीट्स को ऐड करना है। बीट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर झंडे के आइकन पे क्लिक करना है और दोस्तों साइड में आप देख रहे हैं कि मैंने कौन सी बीट कितने सेकंड पे सेट की है, तो इसमें आपको 14 बीट को ऐड कर लेना है दोस्तों बिल्कुल सही से और उसके बाद यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना है। तो यार हमारा सॉन्ग यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पर जूम करना है दोनों उंगलियों से कुछ इस तरह से दोस्तों, जिससे हमें एडिटिंग करने में आसानी होगी। तो अब आपको दोस्तों अपनी जो फर्स्ट बीट है उस पर आना है और आपको यहाँ पर नीचे कैंची के आइकन पे क्लिक करके और वीडियो को दोस्तों जो एक्स्ट्रा पार्ट है वीडियो का उस पर आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ से इसे डिलीट कर देना है। अब दोस्तों आ जाएंगे अपने फ़ोटो। अब आपको दोस्तों इधर की ओर स्वाइप करते हुए जहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर जो अपने फ़ोटो हैं उनको यहाँ पर कुछ इस तरह से स्वाइप करके और बीट के निशान के बराबर लाना है। तो यार इसी तरह से दोस्तों आपको स्वाइप कर करके सभी फ़ोटोज़ को बीट के निशान के बराबर सेट करना है और एंड में दोस्तों आपको यहाँ पर सॉन्ग की लेंथ के बराबर अपने फ़ोटो को कट कर देना है। कट करके और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करना है। तो यार मैं जो अपने सभी फ़ोटो यानी कि दोस्तों फ़ोटो हैं उनको यहाँ पर कुछ इस तरह से बीट के निशान के बराबर सेट कर देता हूँ। तो आप भी सभी को बिल्कुल सही से सेट कर लेना है। तो मिलते हैं आगे। A few moments later, आप देख सकते हैं मैंने सभी बीट के निशान के बराबर अपने फ़ोटोज़ को दोस्तों यहाँ पर कट कर दिया है और एंड में भी दोस्तों बिल्कुल सही से सेट कर दिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने जो वीडियो वाला पार्ट है उस पर आना है और आपको यहाँ पर फिल्टर के आइकन पर क्लिक करना है। इधर की ओर स्वाइप करते हुए आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे फ़िल्टर देखने को मिल जाएंगे। आपको इनमें से एक सिंपली से फ़िल्टर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको आना है अपने फ़ोटोज़ पे एफएक्स पे क्लिक करना है और दोस्तों फ़ोटो को यहाँ पर स्टार्टिंग में लाना है और इधर की ओर स्वाइप करते हुए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जूम आउट का। आपको यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है और नीचे दोस्तों आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे कि सभी पे सिलेक्ट करें, कुछ इस तरह से ऑप्शन है दोस्तों, यानी कि सभी पे यह इफ़ेक्ट है जो अपना लग जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों सभी फ़ोटोज़ पे यह वाला इफ़ेक्ट लग जाएगा। तो अब थोड़ा सा आपको वीडियो प्ले करके दिखाते हैं कि हमारा ये वीडियो कैसा बना है। तो यार आप देख सकते हैं हमारा ये वीडियो बिल्कुल अमेजिंग और बिल्कुल सही बना है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें
अब दोस्तों वीडियो को सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर एक्सपोर्ट के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना है, तो हमारा ये वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर